नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीके साइंस कोचिंग सेंटर पे आप लोग नए जितने लोग हैं उनका बहुत स्वागत हम करते हैं। और एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हम लगातार आपके सामने चंद्रयान 3 से जुड़ी ताजा अपडेट्स साझा कर रहे हैं। और एक बार फिर से इस वीडियो के जरिए मैं चंद्रयान की लेटेस्ट अपडेट जो आज की स्थिति है और उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नीचे बेल आइकन उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोस हैं वो जैसे ही अपलोड होंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से हिंदुस्तान ने जो है वो चंद्रयान 3 को लेकर इतिहास रच दिया है और हम बस कुछ दिन के बाद अब एक और नया इतिहास रचने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त का दिन ऐसा हमारा रहेगा जिस दिन हम इतिहास रचेंगे। चंद्रयान 3 हमारे पूरी तरह से मिशन पर निकल चुका है और ताजा अपडेट जो इस वक्त की है वो है, जैसे कि मैं पुराने तमाम वीडियोस में जिक्र कर रहा था कि 5 अगस्त का दिन बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों, रात तक में ये अपडेट नहीं आई थी इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन आज सुबह ही सोचा कि मैं आपको जो ये ताजा अपडेट्स है उसके वीडियोस अपलोड कर दूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जिस तरह से इसरो के तमाम वैज्ञानिक जो है इसको लेकर के संशय में थे, डरे हुए थे कि आखिर पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ते हुए, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ते हुए लूनर हाईवे के रास्ते पर निकल चुके चंद्रयान थी क्या चंद्रमा की कक्षा तक पहुंच पाएगा, तो ये बड़ा सवाल बन रहा था। लेकिन अब प्यारे हमारे साथियों दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा में हमारा चंद्रयान भी पूरी तरह से सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है और इसको लेकर के कल रात से जो है उसकी मिशन जो चेन्नई हेड ऑफिस है जो उसकी गति को मापता है, यानी कि जो हमारा ये मिशन है उसका जो संचालन होता है ये चेन्नई मुख्यालय से होता है और इसमें उसकी स्पीड को जो 40,300 के आसपास थी किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर दी गई है। और साथ ही साथ जैसे ही स्पीड ये कम होता जाएगा वैसे ही अब हमारे चंद्रमा की जो भी 5 कक्षाओं होंगी, आज पहली कक्षा में प्रवेश कर चुका है चंद्रयान 3, तो स्पीड अब जो है वो धीरे धीरे उसको कम कर दी जाएगी। और इससे होगा क्या कि हमारा जो चंद्रयान है वो धीरे धीरे स्पीड के साथ 23 अगस्त को सफलतापूर्वक हमारे चांद की सतह पर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लैंडिंग करेगी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। अगर तमाम टॉपिक्स लगातार जब से चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ है तब से पर डे हम आपके लिए 3-3 वीडियो ला रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी खबरें हैं वो हम आप तक दिखा रहे हैं। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है पुराने तमाम वीडियोस को तो जाइए आप वहां से उसको आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए और खास करके हमारे इंडिया के लिए, हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए प्राउड की बात है कि हम लोगों ने एक जो बहुत मुश्किल चरण था, जैसे कि पृथ्वी की सतह में आपको पता है पृथ्वी की कक्षा में हमारा चंद्रयान 14 जुलाई के बाद से 5 चक्कर काटा, यानी कि 5 चरणों को उसने पूरा किया गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से। चंद्रमा पर ये काम, चंद्रमा के आसपास या चंद्रमा की परिधि में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, लेकिन हमारे इसरो के जाबाज वैज्ञानिक कठिन परिश्रम, 4 साल की मेहनत के बदौलत हमने ये मिशन जो है वो पूरी तरह से कल रात को पूरा कर लिया। तो दोस्तों, हमारा, मैंने आपको एक पहले वीडियो में ये भी बताया था कि हम लोग इस तरह के जो मिशन होते हैं यानी कि कक्षाओं में प्रवेश करा उसमें कभी इंडिया जो है वो असफल नहीं हुआ है। भले हमारे बड़े बड़े देश या फिर यूं कहें कि जो बड़ी एजेंसियां हैं, नासा भी इस तरह के काम में कई बार असफल हो गई है, उनका कई सैटेलाइट जो है वो फिर से वापस पृथ्वी पर लौट आया, लेकिन हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक है वो इन तमाम चीजों पर उनका महारत हासिल है। लेकिन सबसे बड़ी अब चुनौती ये है कि जब सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं भारत थोड़ी सी पीछे हो जाती है, तो उसको लेकर के सॉफ्ट लैंडिंग में जो है वो एक बड़ा बात होगा कि आखिर जब 22 या 23 अगस्त की वो रात होगी तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कैसी कराया जाए। लेकिन ताजा अपडेट के साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी कक्षा में प्रवेश कराने का मिशन था, यानी कि चंद्रमा की पहली कक्षा में प्रवेश कराने का जो मिशन था उसको कल हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। तो आप ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने ये काम पूरी तरह से कर लिया।
हमारे तमाम इसरो के जो भी वैज्ञानिक है जो इस मिशन से जुड़े हैं उनको तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे झंडा को झुकने नहीं दिया, आप लोगों ने हमारे देश का नाम रोशन किया। तो 4 साल की कड़ी मेहनत, 2019 से 2023 की ये कड़ी मेहनत के बाद जो है ये कहीं ना कहीं हमने सफलता हासिल की है, और ऐसे ही हम 23 अगस्त को भी सफल होंगे दोस्तों, जब हम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। ये एक बड़ी चुनौती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और साथ ही साथ हम उस दिन भी अपना तिरंगा जो है ये फहराएंगे। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से अंतिम पड़ाव पर, पुराने वीडियोज को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप बैक में जाइए, उस तमाम वीडियोज को सबसे पहले देख लीजिए। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी फर्स्ट बार आपने विजिट किया है तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद तमाम नए वीडियोज हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।